और यार लू तो ऐसी लग रही है कि पूछो मत। राइट था लेफ्ट था वो बस ऐसे करते हैं, ऐसे आगे चले जो मुझे क्या बता के दो कटे। तो अभी यार कितना दूर है, दिख रहा है फॉल? नहीं अभी भी नहीं दिख रहा। सब लड़ चुके और महादेव के इतना पास अगर हम आएंगे और महादेव से बिना मिले चले गए, महादेव बुरा मानेगा तो बस 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 तीसरी यहाँ खुल जाएगी। तो भाई वी आर ऑल सेट टू लीव और हमारी सब पैकिंग वैकिंग सब हो गई है। ये भाई हमारे दोस्त आयुष से तो आप लोग मिल चुके होंगे चक्राता ट्रिप पे, और ये वरुण हेलमेट उतारेगा जब दोबारा मिलवाते हैं वरुण से। और अब बस अपने राइड की शुरुआत करते हैं अपने खाटू वाले श्याम के नाम के साथ। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। चलो भाई, तो भाई यहाँ से हमने अपनी डेस्टिनेशन सेट कर लिया डायरेक्ट चैल की, चैल हिमाचल प्रदेश में। और अभी हमारी डेस्टिनेशन यहाँ से दिखा रहा है 431 किलोमीटर और टाइम 8 घंटे, ऑलमोस्ट पूरे 8 घंटे 5 मिनट। और आज से निकलते निकलते ही दिन हो गया पूरा। तो गाइस सन इज़ नॉट द ओनली थिंग दैट राइजेज इन द मॉर्निंग, मेरा मतलब है गर्मी भी तो राइज हो जाती है यार, गर्मी भी बहुत बढ़ जाती है। तो सूरज धीरे धीरे भाई ऊपर आ गया है, टाइम अभी कुछ नहीं हुआ है, 6:30 बजे हम निकले थे और अभी 6:50 हुए हैं, 20 मिनट, और देखो भाई सूरज कहाँ तक पहुँच गया। और हल्की हल्की गर्मी अब होने लगी है, ज़्यादा तो है नहीं अभी। और हमें एक फ्यूल ब्रेक भी लेना है क्योंकि फ्यूल हम लोग डलवा के नहीं निकले थे। अब पता नहीं यार पेट्रोल पम्प कितना दूर है, होपफुली जल्दी मिल जाए। भाई घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही आ गया हमारा फ्यूल पम्प, अब हम लोग कराएंगे रिफ्यूलिंग और फिर निकल चलेंगे लंबी राइड पे। तो यार फ्यूल ब्रेक लेते के साथ ही हम लोग चढ़ गए ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पे सोनीपत वाले रोड पे, और ये पूरा का पूरा हाईवे 46 किलोमीटर का है, एकदम बढ़िया रोड। और भाई यहाँ पे गर्मी भी नहीं लग रही है हमें क्योंकि दोनों साइड खेत हैं, हरियाली, पेड़ पौधे, बढ़िया ठंडी हवा और राइड का मज़ा आ रहा है भाई अब। और भाई घर से कुछ दूर करके चलते चलते आ गए बहुत दूर, ड्राइव हो गई है हमारी काफ़ी लंबी पहले से, मतलब हम लोगों ने सोचा था कि एक ब्रेक लेंगे यार, भूख अभी लग रही है बहुत तेज, ठीक है। और हम लोग अभी अम्बाला कैंट से कुछ हार्डली 30-40 किलोमीटर ही दूर हैं अभी यहाँ से, और तो हम लोगों ने प्लान किया है कि अब अम्बाला कैंट पहुँच के अपना पहला एक ब्रेक लेंगे, आराम से थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लेंगे, खाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, क्योंकि अब सुबह के ऑलमोस्ट 9:30 बज गए हमें, अम्बाला कैंट पहुँचते मे बी 10 बज जाएंगे, 10 बजे अपना ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद फिर आगे स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अम्बाला कैंट के बाद तो भाई रास्ता बहुत बढ़िया और ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा, और फिर थोड़ा सा ही आगे चल के हिमाचल बॉर्डर लग जाएगा और हमारे पहाड़ शुरू हो जाएंगे, और पहाड़ों में जाती है हमारे अंदर आई एक एनर्जी। तो अब मिलता हूँ आप लोगों को सीधा ब्रेक पे, जहाँ पे भी हम लोग पहले स्टॉप लेते हैं, और मिलवाता हूँ अपने दोनों दोस्तों से, आयुष से तो आप लोग मिल चुके हो और दूसरा है वरुण। और भाई फाइनली हमने अपना ब्रेक ले लिया एक बहुत लंबी राइड के बाद, हम लोग अभी कुल 20 या 30 किलोमीटर दूर होंगे अम्बाला से, ठीक है। और हम लोग रुके हैं यहाँ पे कोई झील मिल वैष्णो ढाबा, यहाँ पे भाई हमने ऑर्डर किया था अपना पनीर पराठा और चाय। और भाई आयुष, आयुष को तो आप लोग जानते ही हो, ठीक है। और ये भाई हमारे साथ आया वरुण, वरुण क्या हाल है? कैमरा लड़का कॉन्शियस हो गया थोड़ा सा। अब बस फटाफट बाइक पे बैठ के निकलते हैं क्योंकि भाई गर्मी तो बहुत हो रखी है, यहाँ पर गर्मी कितनी है अभी, यहाँ पे तो भयंकर गर्मी है अभी। यहाँ से मुश्किल से 50 किलोमीटर के बाद मेरे ख्याल से थोड़ा हिली रेस स्टार्ट हो जाएगा, तो थोड़ा ऊपर जाके मे बी पॉसिबली थोड़ा सा मौसम बढ़िया हो जाए, बाकी अभी तो बहुत गर्मी आ गई है यार। बाकी हो गया भाई, चले निकले, चलो भाई मिलते हैं GoPro पे। तो अब भाई हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा खाना पीना रेस्ट हो गया और अब हम निकल रहे हैं अपने आगे डेस्टिनेशन की ओर। तो फाइनली हमारा अम्बाला कैंट भी आ गया और अब यहाँ से हम लोग क्रॉस करते हुए लेफ्ट को निकल जाएंगे शिमला की ओर, सीधा जाते हैं तो लुधियाना पटियाला, अब यहाँ से शिमला की ओर ये वाला रास्ता कट जाता है अम्बाला कैंट से। और यार लू तो ऐसी लग रही है कि पूछो मत, इतनी ज़्यादा गर्मी, लू। अब पहले तो हवा लग रही थी थोड़ी माइल्ड ठंडी लग रही थी, अब तो प्रॉपर गर्म हवा, लू जिसे बोलते हैं ना, वो लग रही है। क्योंकि अभी हमारे सुबह के 11 बज गए हैं और 11 बजे का टाइम, 11-12 बजे के टाइम, मतलब भाई गर्मी नेक्स्ट लेवल। तो यार इसी चिल्लाती हुई धूप में सारे जाम वाम पार करने के बाद हम लोग रुके हैं एक शिकंजी ब्रेक पे, शिकंजी पिए तो भैया ने बोला गोंद का तीरा कुछ होता है वो पियो, शरीर के लिए अच्छा होता, ठंडक करता है। उसको बढ़िया लगा, उसको कैसा लगा गोंद का तीरा? मुझे तो सही लग रहा, थोड़ा जेली जेली सा बढ़िया लग रहा है। बाकी हम शिकंजी भी बनवा रहे हैं, 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, थोड़ा माइंड ठंडा हो जाएगा और गर्मी कम लगेगी, के बाद आगे निकलेंगे क्योंकि दूर देख रहे हो ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा दूर है। थोड़े हसल के बाद गर्मी, ट्रैफिक, लू, कुछ बोल लो, लेकिन जब लास्ट में ऐसे नज़ारे मिल जाए ना यार, तो हवा अपने आप ही ठंडी हो जाती है,
बॉडी में अपने आप ही एनर्जी आ जाती है और रास्ते अपने आप ही साफ़ हो जाते हैं भाई। तो हम लोग ऑलमोस्ट सोलन पहुंच चुके हैं, 2-3 किलोमीटर की दूरी पे सोलन। और यार यहाँ से नज़ारे भी अलग होते हुए, एकदम पहाड़ भी बढ़िया और हरियाली एक नंबर। तो हम लोग शिमला की ओर आ रहे थे, लेकिन हमने शिमला को चूज़ ना करके हमने चूज़ किया था चहल को, क्योंकि यार आप चहल का रास्ता देखो, मतलब मेनली हम आधा रास्ता तो शिमला का आ गए थे और फिर आधे रास्ते के बाद एक चौक पे रास्ता कटता है, ऊपर की साइड जाओगे तो आप शिमला और राइट हैंड साइड नीचे की साइड जाओगे तो आपको मिलेगा चहल का रास्ता। तो अब यार पीछे आप शिमला की आने की साइड वाले रोड देखोगे काफ़ी चौड़े थे, क्योंकि भाई काफ़ी ट्रैफिक आता है वहाँ पे, तो ऑब्वियसली जाम वाम का सीन था तो रोड चौड़े कर रखे। तो उसके बाद चहल का रास्ता देखो यार, थोड़ा सा ऐसे ही लग रहा है मतलब जैसे किसी गाँव में जाने का रास्ता, और रोड खाली एकदम, मतलब वही सीन, चक्राता वाइब्स, मतलब भाई ऑफबीट डेस्टिनेशन। वैसे तो हम लोगों का प्लान था चहल जाने का, वहाँ से हम लोग आ रहे थे और ये ऊपर रास्ता जा रहा है चहल की साइड, बीच में कुछ वाटर पार्क है, ये ब्रिज क्रॉस करते ये नीचे की साइड जा रहा है साधु पुल की साइड रास्ता, साधु पुल रिवर साइड जो कैंपिंग होती है वहाँ की साइड। ये यहाँ पर रिवर चल रही है वैसे, बढ़िया लग रही है। और ये थोड़ा सा ऑफ रोड पैच के बाद आएगा साधु पुल रिवर साइड कैंपिंग, ये रहा सामने। यहाँ पे भी हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ स्टे करें या चहल में स्टे करें, अभी देखते हैं जैसा भी प्लान होता है उस हिसाब से हम लोग अपनी इटिनरी में चेंज कर लेंगे। जगह तो काफ़ी बढ़िया लग रही है यार ये। तो गाइस ये हमारा यहाँ पे कैंप सेटअप हो चुका है और अब हम लोग यहाँ से कैंप सेटअप करने के बाद फटाफट निकल रहे हैं। कोई वाटरफॉल है आई थिंक, आई डोंट नो नाम क्या उसका एग्जैक्ट, वो आयुष बता देगा। और ये रास्ता जा रहा है, ये रिवर साइड है और यहाँ पे हमारा कैंप है। भैया वो जो वाटरफॉल के लिए ट्रैक है वो किधर से स्टार्ट है, कितना आगे है? 2 किलोमीटर आगे। फिर खड़ा करके ऐसे बाइक वाइक खड़ी करने में दिक्कत तो नहीं है ना कोई? तो यार अब ये एंड में एक जगह आ जाती है जहाँ पे हेल हिमालयन एडवेंचर कैंप है और उसके ऊपर रास्ता जा रहा है, तो इस रास्ते पे नहीं जाना वाटरफॉल के लिए, हमें यहाँ से नीचे जाना है हेल हिमालयन एडवेंचर कैंप की साइड नीचे। तो यार बस यहाँ पे हमारी बाइक पार्क हो गई है, फैल्कन का सफ़र यहीं तक था और ये जा रहा है हमारा ट्रैकिंग का रास्ता, साथ साथ नीचे यहाँ पार्किंग और यहाँ से वाटरफॉल के लिए ट्रैक। प्रॉपर बना रखा यार, ऐसा नहीं है कि किसी गाइड को लाना, वो लोग हमें बोल रहे थे कि गाइड को लेके आना, बट आप अकेले भी आ सकते हो, ऐसा कुछ डेंजरस लग नहीं रहा, सेफ है ना। तो यार देख लो ऐसा सा कुछ ट्रैक है बिल्कुल एकदम नेचर के करीब, भाई बहुत बढ़िया वाइब्स आ रही है यहाँ पर। तो हालाँकि वाटरफॉल बोल रहे हैं कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन छोटा भी चलेगा, हमें तो नहाने से मतलब है। और यार वैसे भी मुझे वो सौदा पसंद नहीं आता कि सारा दिन बाइक चलाते रहो, रोड नापो, एक लोकेशन देखो, बस बाइक पे बैठ कर चलते रहो। मेरे को तो ये समझ में आता है भाई, जहाँ पहुँच रहे हैं लोकेशन पे थोड़ा सा पहले पहुँचो और वहाँ का जो मेन पार्ट है ना उसका पूरा एंजॉय लो। ऊपर जो ऊपर क्रॉस हो जा रहा था उस पे है ना, या नीचे क्या है? बाइक जाएगी वाटरफॉल तक जाती है बाइक? मतलब बाइक जा सकती है वाटरफॉल तक? तो कितना पहले रुक जाएगी? अच्छा कहाँ से आप? दिल्ली। कहाँ रुके हो? यहाँ का पता नहीं, तो क्या जाते हैं हमारे पास है भी नहीं। सारे फूल हैं आज? हाँ। इस जगह का नाम क्या है? साधु पुल ही बोल सकते हैं आप इसको भी, वैसे कनेची गांव है यहाँ पे। अच्छा ठीक है भैया, थैंक यू। ऊपर जाना है ना मैं वैसे? हाँ। तो वहीं से अपनी बाइक फिर उठानी है। हाँ चल 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 यार, लेट हो रहे हैं भाई, धीरे धीरे चल रहे हैं। वो हम लोग थोड़ा सा गलत चले गए थे, ये खाली नीचे एडवेंचर कैंप साइट से हमने किसी से पूछा था, उसने बताया यहीं पे, तो हम यहाँ आ गए। पर हमने जहाँ पे बाइक पार्क करी है ना, वहाँ से जो ऊपर वाला रास्ता जा रहा था उस पे जाना है वाटरफॉल के लिए।
किस साइड है यार, कितना आगे? वो बस ऐसे करते हैं, ऐसे आगे चले जो मुझे क्या बता के दो कट्टे तेको पूछ के जल्दी भक्के। अबे पूछिया वो बाइक बंद कर, आवाज नहीं आएगी भाई। छोटो आ रहा है, आ रहा है। इधर इधर पूछ ले, आगे भी कोई कट है क्या? इसके आगे भी है कोई। तो फाइनली यार अब हम लोग जा रहे हैं सही ट्रैक पे। हाँ, दो बार गलत जाने के बाद, और रास्ता उतना ही खूबसूरत है जितनी हम लोगों ने मेहनत करी यहाँ पे आने के लिए। तो भाई लोग मिले थे पीछे, फाइनली हमें वहाँ कोई तो मिल गया, तो उन्होंने बताया 30 मिनट या 45 मिनट तक का रास्ता है और हमारा सनसेट होने के लिए मेरे ख्याल से 1.5 घंटा बचा हुआ है। आवाज आ रही है और वीडियोस पे देखा था, यूट्यूब पे पुल पड़ा था, तो अब लग रहा है सही आ गए हैं। ये तो भाई दो बार रास्ता भटकने के बाद हमारे पास टाइम की एकदम कट टू कट टाइम लिमिट है हमारे पास। अगर हम 5 मिनट भी ऊपर नीचे हुआ अंधेरा हो जाएगा, वापस नहीं पहुंच पाएंगे, और नहाना भी तो जरूरी है। तो अभी यार कितना दूर है, दिख रहा है फॉल? अभी भी दिख रहा है। और भाई फाइनली पहुंच गए दूसरे फॉल पे। पहला फॉल कहाँ था हमारा? टाइगर फॉल। और दूसरा ये फॉल, ये टाइगर जितना टाइगर तो नहीं है, लेकिन भाई ये इतना माइल्ड पानी गिर रहा है ना, और आप नेचर की फील देखो यहाँ पे, ये है प्रॉपर नेचर, वो भी एक तरीके का से जो टाइगर फॉल था। बहुत डेंस फॉरेस्ट में फॉल है, बहुत डेंस फॉरेस्ट में, आप देख सकते हैं पीछे ये सारा ट्रैक करके आए हम पूरा। और भाई ये वो स्पॉट है जो नेचुरली बना हुआ है, इतना डीप फॉरेस्ट वाला एरिया से लग रहा है ना कि ऐसा लग रहा है कोई जानवर ना जाए, हम लोग डर रहे हैं। लेकिन भाई यहाँ देखो हमें दिख गई पीछे ये महादेव का मंदिर, यहाँ मूर्ति रखी है। अब महादेव साथ तो टेंशन की क्या है बात, चलो चलते हैं पानी में। एक्चुअल में हम यहाँ पे महादेव जी के मंदिर आए थे, जो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर चढ़ गया है। बहुत भव्य मंदिर है, काफ़ी अच्छी मूर्तियाँ हैं, तो हम बस वहीं पे जा रहे हैं। और महादेव के इतना पास अगर हम आएंगे और महादेव से बिना मिले चले गए, महादेव बुरा मान गया तो बस यहाँ चल जाएगी।